अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब राज्यसभा भेजी जा सकती हैं। मीडिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है। वहीं सोशल मीडिया पर भी साहबुद्दीन समर्थकों ने मांग तेज कर दी है। इस मांग को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने भी हवा दे दी है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि मैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिवान के दिवंगत सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को राज्यसभा भेजे, यही न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव बार बार अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। दानिश रिजवान आगे कहते हैं कि हीना साहब को राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो बिहार के मुसलमान समझेंगे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं और आप नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई मुसलमान आगे बढ़े, आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। इस पूरे मामले पर राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजद की ओर से कहा गया है कि हम पार्टी के अंदर दानिश को कितनी प्राथमिकता मिल रही है वह सबको मालूम है। राजद ने हमेशा अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया और नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव बनाया। लालू प्रसाद जैसा धर्मनिरपेक्ष नेता राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा कोई नहीं है। राजद के मुताबिक लालू प्रसाद ने जेल जाना स्वीकार कर लिया पर कट्टरपंथियों के आगे झुके नहीं। लालू प्रसाद के समय ही सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनवाया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए अभी फैसला कहां हुआ है, फैसला होगा तो हम पार्टी को समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राजद ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि हीना साहब का नाम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राजद दो सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। राजद से मीसा भारती की सीट है जो 7 जुलाई को खाली हो रही है। इसके अतिरिक्त एक सीट शरद यादव की है जो जदयू कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे। राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा, उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, स्क्रूटनी 1 जून को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 जून है। 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी।